धारा 24 उपधारा 1 अन्य बातों के साथ अधिनियम को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सतर्कता और सुरक्षा संगठनों जिनको द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है के संबंध में अप्रयोज्य कर देती है और केंद्र सरकार के उक्त संगठनों द्वारा प्रकट की गई किसी भी सूचना को प्रकटीकरण से विवर्जित कर देती है विराम तथापि इस परंतुक द्वारा आच्छादित सूचना के संबंध में विवर्जन खंड के विरुद्ध एक अपवाद अधिकथित किया गया है विराम यह परंतुक अनुध्यात करता है कि यदि सूचना भ्रष्टाचार और मानवाधिकार अतिक्रमण के संबंध में है तो उसको इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं किया जाएगा विराम इस परंतुक द्वारा केंद्र सरकार के सतर्कता और सुरक्षा संगठनों द्वारा प्रकट की गई सूचना के मध्य एक विभेद किया गया है विराम अपवर्जन खंड के परंतुक द्वारा अधिकथित अपवाद केवल सूचना के संबंध में है न कि सतर्कता और सुरक्षा संगठनों के संबंध में विराम इस परंतुक को सरल शब्दों में पढ़े जाने पर दर्शित होता है कि अपवर्जन किसी भी सूचना के संबंध में लागू होगा विराम पद किसी भी सूचना की परिधि के अंतर्गत सभी प्रकार की सूचना सम्मिलित होगी विराम यह परंतुक तब लागू हो जाता है जब सूचना भ्रष्टाचार और मानवाधिकार अतिक्रमण से संबंधित होती है विराम यह परंतुक सापेक्ष नहीं है और उस सूचना के संबंध में सशर्त है जो सतर्कता और सुरक्षा संगठनों को छूट प्रदान करती है विराम यदि छूट प्राप्त सतर्कता और सुरक्षा संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई इप्सित सूचना भ्रष्टाचार और मानवाधिकार अतिक्रमण से संबंधित होती है तो वह अपवर्जन खंड से छूट प्राप्त होगी विराम परंतु भ्रष्टाचार और मानवाधिकार अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी पूर्ववर्ती खंड या कोई सूचना जिसको उस सरकार के ऐसे किसी संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया है के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए विराम जब दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है तो जो एकमात्र निष्कर्ष निकल सकता है यह है कि यदि इप्सित सूचना भ्रष्टाचार और मानवाधिकार अतिक्रमण से संबंधित होती है तो वह अपवर्जन खंड से इस तथ्य के बाद भी छूट प्राप्त होगी कि सूचना सतर्कता और सुरक्षा संगठनों को छूट प्रदान किए जाने से संबंधित है या नहीं या सतर्कता ब्यूरो के किसी अधिकारी से संबंधित है या नहीं विराम मुख्य सूचना आयुक्त ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी को भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और लोक सेवकों द्वारा क्रियान्वयन किए जाने के प्रतिशोध स्वरूप अत्यधिक परेशानियों के अंतर्गत रखा गया था विराम मुख्य सूचना आयुक्त ने आगे यह
निष्कर्ष भी निकाला कि सतर्कता ब्यूरो की रिपोर्ट के सारांश से, जैसा कि सतर्कता ब्यूरो द्वारा अपीलार्थी के सूचना अधिकार अनुरोध के प्रतिउत्तर में प्रस्तुत किया गया है, दर्शित होता है कि इसके प्रकटीकरण से सतर्कता ब्यूरो के सुरक्षा और सतर्कता के केंद्रीय क्रियाकलापों को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं था। विराम, सतर्कता ब्यूरो की रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय के कब्जे के अंतर्गत धारा 2 के अनुसार एक सूचना है और यह सूचना भ्रष्टाचार और मानवाधिकार अतिक्रमण से संबंधित है। विराम, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा इप्सित सूचना अपवर्जन खंड से छूट प्राप्त कोटि के अंतर्गत आती है और प्रदान किए जाने योग्य है। विराम, याचिके विद्वान काउंसिल द्वारा आदर्श शर्मा वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया। यह निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता। विराम, स्टॉप। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।